ये जो बिजनेस हमको अपना समझ के करना है, इसकी शुरुआत कहां से, ये कैसे हो पाएगा, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है क्यों लोग इसको अपना बिजनेस नहीं समझ पाते, समझाने के बाद भी बहुत सारे लोगों के अभी भी समझ में नहीं आएगा क्यों मैं इसको कैसे अपना समझ, तो उसके पीछे एक सिंपल कारण है कि इस बिजनेस के अंदर लोग ये सब जानने के बाद भी वो फीलिंग क्यों नहीं आ, उसके पीछे एक कारण है कि उनको यही नहीं पता कि इस बिजनेस से वो चाहते क्या है, जिसको इस बिजनेस का वाई बोला जाता है, वाई क्यों, क्यों मेरे को ये बिजनेस करना है, इसकी शुरुआत मार्च में होगा, ये आएगा तो इसके बाद दो तीन चीजें और आएंगी, उसके बाद जाकर फिर ये बिजनेस आपका हो जाएगा, ये जो आपको बताया कि इसको अपना बिजनेस समझना, उससे पहले और नीचे जाके ये समझना पड़ेगा ये बिजनेस मेरे को क्यों करना है, इसको पर्पस भी बोलते हैं, और ये लाइफ का फंडा है, और वो लाइफ का फंडा डायरेक्ट सेलिंग में और मैरिज सेल में भी लगता है, ये बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण, आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से, अगर आप ये चाहते हो इसमें पैसा आ भी जाए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, तो आने वाले जब तक आपके पास कारण नहीं होगा क्यों ये बिजनेस करना है, तब तक बाकी की चीजें फिट नहीं होने वाली और कोई ट्रेनिंग आपके काम नहीं, तो सबसे पहले जब भी आज आपको टाइम मिले आप इस बारे में सोचो कि बिजनेस मुझे क्यों करना है, फैमिली के लिए करना है ठीक है, पर ऐसी क्या चीज है जो मुझे या मेरी फैमिली को ये चीज की सख्त जरूरत है और ये कहीं नहीं मिल सकती और मुझे तो चाहिए ही चाहिए और उसके लिए मैं माइलेज कर रहा हूं, तब जाके आप इसके अंदर अपना समझ के करो, मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा भारी लग रही है, मैं आपको समझा तो देखिए ये वाई इतना जरूरी है ना, जब तक ये वाई नहीं होगा क्यों ये बिजनेस कर रहा हूं तब तक बाकी की चीजें फिट ही नहीं होने वाली, और आप ट्रेनिंग सुनोगे तो सुन के चले जाओगे, इसका असर एक दो दिन तक रहेगा, मोटिवेशन का असर एक दो दिन तक रहेगा, आप घूम करके वहीं पहुंच जाओगे जहां से आप बिजनेस में थे, वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपको कामयाब बनना है, इनकी तरह बनना है, इनका वाई क्लियर था, क्यों ये बिजनेस करना है, किसके लिए यहां तक पहुंचना, मेरी बात समझ रहे आप, वाई बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो टाइम का आदमी, और पहला आदमी ये सोचता है कि मुझे जिंदगी जीना है, आप लोग भी जिंदगी जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं ना, दिल से जीना चाहते हैं, तो अभी जीने के रास्ते में जब जब आपकी जान को खतरा होगा उसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे, आपको जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा है तो एक बार शेर भी आ जाएगा तो आप भले शहीद हो जाओ अलग बात है पर लड़ोगे तो पक्का, जान बचाने के लिए भागोगे तो पक्का, आप सही है, ये आपके जीने के पीछे इच्छा है, मुझे जीने की, ये मेरा जीने का जो कारण है, अब मेरे जीने के पीछे जो जो लोग पड़ेंगे मैं उनसे लड़ूंगा, और जीने की इच्छा पूरी करने के लिए जो जो करना मैं करूंगा, बात सही है कि नहीं है, yes. आप लोग जीने की इच्छा रखते जो जो आपके जीवन को मारने के लिए आएगा उसे लड़ेंगे जो, बात सही है, yes. अब एक दूसरे टाइम का इसके बाद जीने की इच्छा ही नहीं, तो ये मरने के रास्ते टूटेगा, आप कितना भी इसको बचाने की कोशिश करें कहीं ना कहीं जाके अपनी जान दे रहा है क्योंकि तो जीने की इच्छा नहीं, आप फर्क समझ रहे दोनों टाइप की मेंटेलिटी में, एक मुझे ये काम चाहिए ही चाहिए मेरी लाइफ, और एक ये मिलेगा तो भी ठीक नहीं नहीं मिलेगा तो भी ठीक, जब तक आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्यों ये बिजनेस करना है, आप इस बिजनेस में वो मरने वाले माइंडसेट के साथ में हो, क्या है बदल निकलना तो है, आपको कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आएगा जो इस बिजनेस से बाहर करो, और अगर आपका पर्पज आपका वाई बड़ा है तो इस बिजनेस में चैलेंजेस जो आएंगे तो चैलेंजेस का आप सोल्यूशन ढूंढोगे, जैसे लाइफ में अगर आपको जिंदा रहना है तो जो भी लाइफ को खतरा आएगा आप सोल्यूशन ढूंढोगे जिंदा रहने के, आप सही है कि नहीं है, मरने के रास्ते में नहीं जाओगे, पर अगर आपकी इच्छा है मरने की तो आप मरने के रास्ते ढूंढोगे, फिर एक प्रॉब्लम आएगा आपको खत्म कर देगा, आप खुदकुशी करे हुए मिलोगे, बात सही है, सेम ये बिजनेस है, आपका अगर वाई क्लियर नहीं है तो एक प्रॉब्लम आएगी आपको इस बिजनेस में शहीद करके चली जाएगी, अगर आपका भाई बड़ा है तो जो भी प्रॉब्लम आएगी सोल्यूशन ढूंढोगे पर रुकोगे नहीं, तब जाके सक्सेस मिलेगी, वही का मतलब समझ में आ रहा है, yes. तो आप सोचिए आपकी लाइफ का भाई आपको बताए, आपकी फैमिली को ऐसी क्या चीज आपको देनी है, आपने खुद के लिए क्या ऐसा चीज करना है, क्या मुझे चाहिए तो सही पर मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो सिर्फ माइनस,
हो सकता है इसके अंदर आपके बच्चे को पढ़ाने की कोई ऐसी इच्छा है जो आपका दिल करता पर आप कर नहीं पाते, वो इच्छा भी बहुत बड़ी है कि नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारे वाई है आपकी लाइफ में जो हो नहीं पा रहा, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग वाई को आप पर्पस बनाओ और एक बिजनेस को करना स्टार्ट करो, तब ये अपना बना है, तब आपको लगेगा ये बिजनेस में मेरे लिए उस चीज के लिए करो, तब आपको वो सीनियर और फिर जूनियर और प्रॉब्लम कुछ दिखाई नहीं देगा, आप उसी के पीछे आंख बंद करके लग जाओ और तब जाके इस बिजनेस में सक्सेस। समझ में आता है? Yes. आ रहा है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वाई, ये वाई क्लियर हो गया, ये बिजनेस से आपको प्यार होने लगेगा। जिंदगी से प्यार करते हो? Yes. करते हो कि नहीं करते हो? Yes. अभी सड़क पे निकलोगे एक ट्रक आएगा, जाके लेट जाओगे साइड में भागोगे। तो जब आपका वाई क्लियर होगा तो ये बिजनेस से प्यार, और जब बिजनेस से प्यार करोगे तो आपको माइलेशन करने में मजा आएगा, और जब ये मजा आएगा तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं लगेगी, प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन ढूंढोगे। समझ में आ रहा है? Yes. अब आप नए हो, है ना, आपका वाई क्लियर नहीं है। आप अगर किसी को प्लान दिखाने गए या किसी को प्रोडक्ट दिखाने गए, 10 लोगों ने मना कर दिया, छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। वाई क्लियर होगा कि मुझे तो ये बिजनेस करना है, ये 10 ने मना किया, अभी कम से कम 1 करोड़ इंडिया में और बैठे तो हाँ करने के लिए मैं जाऊंगा। तो आपको बहाना ढूंढोगे अगला, तू नहीं हट, तो आपको मजा आ रहा है, हाँ सुनने में भी मजा आएगा और ये क्यों नहीं हो रहा, वो सीखने में भी मजा आएगा और आपको लोग भी मिलेंगे। और अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो 10 छोड़ो, 2 ने भी मना कर दिया तो आप छोड़ के बात करो। ये बिजनेस के चैलेंजेस है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रैंक पे अलग अलग चैलेंजेस आएगी। तो मैंने इस बिजनेस पर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर तो 90% लोगों को छोड़ते हुए देखा है, लीडरशिप लेवल पे टीसी बन के, ईटीसी बन के, एसटीसी बन के फिर भी छोड़ के भाग जाते, क्यों? इनको पता ही नहीं है बिजनेस क्यों करना है। जिस दिन आपका क्लियर हो गया जब बिजनेस क्यों करना है, आप नहीं कटोगे भी नहीं और इस इंडस्ट्री को छोड़ोगे भी। तो इस बिजनेस में पहले वाई, और ये वाई बदली होता है प्यार में, और प्यार बदली होता है पैशन, और जिस दिन पैशन आ गया 24 घंटे भी ये बिजनेस करने के लिए कम लगे। और अगर ये प्यार पैशन वाई माइनस है तो दिन में 1 घंटा पूरे हफ्ते में निकालने के लिए भी भारी लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ये जो बताएंगे ना ये बिल्कुल सही है, पर ये आपके दिमाग में फिट कब होगा, जब तक ये बेसिक सही नहीं होगी आएगा ही नहीं कुछ दिमाग। सब मोटिवेशन लगेगा और कब जाएगा, सब भूल जाएगा, कल से फिर वही लोकल ट्रेन, फिर वही जिंदगी। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप करोगे कैसे? वाई सबसे पहले ढूंढो, ये मेरा टिप है आपकी लाइफ, आप एक स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढो। इस लाइफ में मैंने मेरी माँ को ये वादा किया था मैं करके दूंगा, तो ये वाई मेरा हो, बहन की शादी करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना, दुनिया भर के काम है जो आपके हो नहीं पाते, क्यों ना उसी को वाई बना के उसको किया। फिर आप डेली करते हुए मिलोगे और 2 से 3 घंटा करते हुए मिलोगे और बिजनेस से चैलेंज आएंगे साइड में छोड़ोगे, तो मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, प्रॉब्लम क्या चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. पहले वाई क्लियर करो, ये वाई प्यार में बदलेगा, प्यार पैशन में बदलेगा और फिर आप डेली करते हुए मिलोगे। और जब तक इसमें से एक भी चीज मिसिंग है जिसमें सबसे बड़ा है वाई, ये आपकी बिल्डिंग ही नहीं खड़ी होने वाली, इसमें कोई नींव ही नहीं है, कब गिरेगी पता ही नहीं। आप 2 महीना रहोगे, 6 महीना रहोगे, 8 महीना रहोगे, 2 साल रहोगे, 3 साल रहोगे, कहीं भी जाके इसमें से निकल। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों ने जिंदगी में कभी प्यार किया है? Yes, yes. तो गुरु में देख रहे इन्होंने भी किया है, नॉर्मल हो गए तो होगा ही होगा, नहीं होगा? Yes, yes. होगा। अब आप सोचो जब आपको प्यार हुआ था और वो प्यार नया नया था, 24 घंटा वही दिखाई देता था या वही दिखाई देती थी कि नहीं देती थी? Yes. देखो yes. तो जाते में भी वही दिखाई देती थी और सोने के बाद भी उसी के सपने आते थे कि नहीं आते थे? Yes. तो जब आप सुबह से सो के उठते थे और जब आप नए नए प्यार में थे, तो जब आप व्हाट्सएप खोलते थे तो सबसे पहले लास्ट सीन उसी का ही देखते थे कि नहीं देखते? Yes, yes. देखते थे ना? अभी लास्ट सीन में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये रात को 10 बजे सोए
तो टेंशन होता था, तबियत तो ठीक है ना, इतनी जल्दी कैसे सो गए, तो एक मैसेज आता था 10 बजे रात को सो गए सब ठीक है ना। होता था और ये 10 बजे की जगह अगर रात के 2 बजे लाशी दिखाई दिया तो किससे बातें चल रही थी, टेंशन होती थी कि नहीं होती थी, होती थी कि नहीं होती थी। सवेरे उठे लाशी देखा, अब अगला स्टेप ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, पूछते थे पूछते थे तो सामने से जवाब आता था, अगर जवाब आए कि मैंने किया, जैसे ही पूछा और जवाब आए कि मैंने किया तो अगला सवाल क्या क्या किया, और जब वो जवाब आता था तो जिसमें क्या क्या नहीं किया उसको भेजते थे, इसको भी खाया करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अरे होता था और नहीं खाया तो तब खाओगे, और ब्रेकफास्ट के बाद का क्या प्लान है तुम्हारा, इस प्लान में किधर जाना है, किसको मिलना है, बाजार जाना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है, तो क्यों मिलना और बाजार जाना है तो क्यों जाना है, ये सब चलता है कि नहीं चलता है। और हर घंटा हर मिनट की इच्छा होती है, इच्छा होती पता होने के सामने क्या चल रहा है, दोपहर की भी वही स्टोरी, खाना खाया नहीं खाया, और खाया क्या खाया, और जो नहीं खाया क्यों नहीं खाया। और समझ लो आज आप काम में हो, शाम के 4 बज गए और 3 बजे मैसेज आया हुआ है चाय पी के नहीं पी, और गलती से आप अर्जेंट काम में हो, आपका ये मैसेज पढ़ता रह गया, उधर से क्या मैसेज आता था, तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करते। और जैसे ये मैसेज आता था ये जरूरी काम हटा, इसको पहले इसको पटाना पड़ेगा, पहले इसको, अरे को ऐसा इसको बोलते पैशन, जो पैशन आपका सामने वाली एक चीज जानने की इच्छा अपने अंदर से जनरेट होती थी, होती थी कि नहीं होती थी, होती थी कि नहीं होती थी, वो पैशन आपका माइलस्टाइल में है क्या, इनका है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनका है, इनकी गर्लफ्रेंड माइलस्टाइल, इनका बॉयफ्रेंड माइलस्टाइल, ये जीते जी जब तक सारा दिन जगेंगे माइलस्टाइल की बातें करेंगे, सोने के बाद भी सपने माइलस्टाइल का है, जब तक आपके साथ में ये नहीं होगा आप इस बिजनेस में मेहमान, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ, एक वाई ढूंढो क्यों ये बिजनेस करो, जैसे यंगस्टर है ना, यहाँ पर 25-25 साल के लड़के लड़कियां दो, तो जो ये यंगस्टर है लड़के हैं जैसे है ना, अब 3 से 5 साल तक माई लाइफ स्टाइल को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, जितनी लड़कियां हैं अब माई लाइफ स्टाइल को अपना बॉयफ्रेंड बना लो, और पैशन के बारे में इसके बारे में सोचो, और फिर करो जैसे आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या वो क्या, सारी चीजें माइलेज ढूंढो, 3 साल अगर पैशन के साथ में माइलेज है वाई ढूंढते हुए कर लिया तो आपका वाई इतना है कि वो 3 साल तक इस बिजनेस में इतने पैशन से करना है कि बाकी के 30 साल पूरी जिंदगी मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़े और मैं रिटायरमेंट 25 से 28 साल में लेके अपनी जिंदगी जीऊं। नौकरी कर रहे 20-20 हजार की, 50-50 हजार की, 1-1 लाख की, और ये महीने के 15-15 लाख रुपए कमा रहे, मर्सिडीज में घूम रहे, फॉरेन टूर कर रहे, अपनी लाइफ जी रहे नहीं जी रहे, आज आपकी उम्र कम है, आज आपकी ये दिल की इच्छा है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये 3 साल आपकी गर्लफ्रेंड माइलेज है, अगर उठते इसके बारे में सोचो, पूरा दिन इसी के लिए भागो और आपके सपने भी इसके आने चाहिए, 3 साल के बाद लाइफ वो होगी जो आपकी दोस्तों का छोड़ो आगे पूरे खानदान में किसी की नहीं हुई वो हो जाए। जैसे जैसे उम्र गुजरेगी डायरेक्ट सेलिंग आप निकलोगे ना, तो
इस लिस्ट में से उड़ते हुए चले जाएगा, और जो 40 साल के इधर बैठे 50 साल के बैठे वो लाइव हो जाएगी कि जो आ रहा है वही ठीक है। आ रहा है समझ में? अब जैसे लड़की लोग हैं इधर, है ना, जो अनमैरिड लड़की लोग हैं उनकी क्या सोच होती है, मेरी शादी ऐसे से हो कि पैसे वाला होना चाहिए और मेरी लाइफ सुखी रहनी चाहिए और मैं ऐसे खानदान में और ऐसे हस्बैंड से शादी करना पसंद करूंगी। तो आप उसी नजर से सबको देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। मैं आप बोलता हूँ 3 साल ये सब छोड़ो, मैं लाइफ स्टाइल को पैशन बना के बॉयफ्रेंड बना के काम करो, 3 साल के बाद अगर दिल से किया ना तो आप वैसा हस्बैंड नहीं ढूंढोगे कि कौन मेरे को खिला सकता है, कौन मेरे को सोना दिला सकता है। आप ऐसा हस्बैंड ढूंढोगे कि कौन बच्चों को संभाल सकता है, कौन थोड़ा खाना सकता है। तो आप अपने घर के जेंट्स बन के अपना काम कर सकते हैं, वो लाइफ चाहिए कि नहीं थी? बस वही कारण होता है आप लोगों के लिए। बाकी जितने लोग बच गए, मैं बोलता हूँ अपनी लाइफ में अपनी फैमिली की तरफ ढाकिए। आपका बच्चा आज क्या चाहता था जो आज आप दे नहीं पाते, आपका दिल करता था दे नहीं पाते, इसी को कारण बना के माय लाइफ स्टाइल, और ये सारे काम माय लाइफ स्टाइल आपको करके देगा अगर दिल से इच्छा है। तो आज ये बिजनेस में वाई क्लियर करो, वाई आपसे काम करवा दिए, वाई क्लियर होगा ये जो हाउ दिखा रहे इसका वाई क्लियर है। आवाज आ रही है ना? ये बेसिक है, जब तक आपका वाई थोड़ा नीचे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं काम है उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। यही बात है, इसके बिना आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपना कारण ढूंढो, कारण ढूंढोगे प्यार होगा, पैशन होगा, फिर माय लाइफ स्टाइल के बारे में सोचोगे तो डेली काम भी होगा, होगा कि नहीं होगा? वाई आपका क्या है, इतना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, नौकरी में जाता हूँ, ये आपका वाई है। सबसे बड़ा वाई इसमें क्या है, नौकरी में नहीं जाऊंगा, घर का राशन नहीं आएगा। यही वाई आपको सारी जिंदगी नौकरी करवाएगा और डेली बुलाएगा। बात सही है कि नहीं है? वही वाई आपको घर में, ये नहीं होगा जिंदगी बेकार। अब फिर आप देखो डेली मैं जैसे टाइम निकालते हो नहीं निकालते, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हो कि नहीं। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, को भी ध्यान में रखना, तब जाके ये काम देगी। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया? यस। देखिए, अब मैं आपको सारी जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये सब नेगेटिव चीजें हैं, और यही जरूरी है जो इसमें सक्सेस होने की। और जो लोग करते भी, वो लोग आते हैं जो इसमें चाहते बहुत कुछ है, और अर्जेंसी नहीं होती, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, और जो सोच सोच के ये बिजनेस करते हैं, करने के लिए कुछ नहीं करते। जब आपका कारण सही होगा तो आप करने के लिए खुद ही बाहर हो, क्योंकि सीनियर की जरूरत नहीं है बोलने की, आप सीनियर की मुझे मुझे बात करो मिलो। तो अब मैं आपसे चार ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो आपको इस बिजनेस में कामयाब बना सकती है। ये भी बेसिक बात यही है, अगर आपको जानना है तो बता सकते। और सब एक साथ बोलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बोला है कि डेली काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ माय स्टाइल का फंडा नहीं है, लाइफ का फंडा है।
आप मिडिल क्लास हो, आपके घर में इतना पैसा नहीं है, आपका पैसा पैसा बना के लिख गया, ये अमीरों के साथ में होता है, नहीं भी काम करेंगे उनका पैसा पैसा बनाएगा, ये हमारे साथ नहीं हो पाता। हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है कि जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तब तक ही हम पैसा कमा पाएंगे, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद पैसा आना बंद, या जब तक हमको पैसा कमाना हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। बात सही है? तो आज ये चीज आप समझ लो, यहाँ मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा जो अभिशाप भी समझ लो, जरूरत भी समझ लो कि डेली काम ही करना है। आप अपने आप से एक ही बात पूछो, जब डेली काम मेरे को नौकरी में ही करना है और मेरा भाई क्लियर हो गया, वो तीन घंटा जब मैं एक्सेल में करूंगा तो रिजल्ट आएंगे कि नहीं आए, तो डेली तो काम करना ही पड़ेगा। तो अपने आप से एक कसम खा लो, जैसे मैं नौकरी के लिए डेली खुद पर खुद तैयार होकर निकल पड़ता हूँ, मैं मेरा भाई ढूंढूंगा और तीन से चार घंटा डेली मैं एक्सेल के लिए निकलूंगा, तो डेली काम करना ही पड़ेगा। ये पहला चार में से ये पहला बेसिक। दूसरा बेसिक, अगर आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक आप हो तब तक तो आपको ये बिजनेस पूरा, आपकी जो सारी हसरतें, आपकी सारे ड्रीम, आपकी सब चीज पूरे करके दे देगा, पर आपके जाने के बाद भी ये बिजनेस आपकी फैमिली को संभाले, उसके लिए बिजनेस आपको सारी जिंदगी करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और सारी जिंदगी करने के लिए और अपनी फैमिली को वो देने के लिए कि मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को हर महीना हर हफ्ता आता रहे, उसके लिए आपको इसी टीम में और इसी कंपनी में सारी जिंदगी काम करना। तो चारों चीजें समझ में आई? आपको एक करके समझा देता हूं, बस डेली काम करना पड़ेगा। दूसरा, सारी जिंदगी एक्चुअली करना पड़ेगा। तीसरा, इसी टीम में, टीम फोर्स में यहीं पे करना पड़ेगा। चौथा, ये तीनों काम मैं एक्चुअली में करने। अगर आप जैसे कोई भी फल के अंदर कोई भी ये काम आने वाले 5 से 7 साल की करता हुआ मिल गया, मैं आज उसको लिख के दे सकता हूँ, इस बिजनेस में सक्सेसफुल भी बनेगा और सारी जिंदगी करता हुआ मिल गया तो करोड़पति बन जाएगा। तो ये चारों काम किए बिना इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होगा। आप मूड के हिसाब से करोगे, डेली नहीं करोगे, इसमें आपका सक्सेस का कोई गारंटी। सारी जिंदगी अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो फैमिली को वो आप फैसिलिटी जो देना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को ये बिजनेस संभालना, और अगर ये फैमिली को रेगुलर इनकम देनी तो आपको इसी टीम में और इसी कंपनी में काम करना। ये चार बेसिक्स है। एक भी नॉन नेगोशिएबल ऐसा नहीं है कि नेगोशिएबल है, चारों के चारों करने ही पड़ेंगे तो जाके रिजल्ट आए। इसमें से एक 19 भी किया आपको ये रिजल्ट कोई गारंटी नहीं क्या है। मुझे रोज करना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक्स है, ये करना ही पड़ेगा। अब इसको करने के लिए मैंने आपको सब समझा दिया, कहां पे आप भी गड़बड़ है, आपका भाई क्लियर नहीं है, इसके लिए आप डेली करते हो, आप भाई क्लियर करो डेली आप करते हुए। अब सारी जिंदगी जो करना है तो सारी जिंदगी हो सकता है आपसे, आपने कभी बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है? फोर बेसिक बोलते हैं आपके तरफ, कितनी बेसिक होती है मेरे को पता नहीं, कोई फोर बेसिक, फाइव बेसिक, सिक्स बेसिक, सब चल रहा है। आपने वो बेसिक ट्रेनिंग ली है? कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग और ये सब जो चलता है लिए ना, तो उसमें आपको ये वाले अपने अपने सारे लीडर्स आपको एक चीज हर ट्रेनिंग में बोलते हुए मिलेंगे, और ये आपने सुना भी होगा, क्या 3 से 5 साल इस बिजनेस को दे दो। अभी सुना ये डायलॉग इतने 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, हर एक लीडर यही बोलता हुआ मिला, 3 से 5 साल दे दो, 3 से 5 साल दे दो, सुना है कि नहीं सुना है? तो जब आप ये सुनते हो कभी आपके दिमाग में एक सवाल उठा क्या कि ये जो लीडर मेरे को बोल रहा है 3 से 5 साल दे दो और सिर्फ 3 से 5 साल दे दो, इसको खुद को 15 साल हो गए यही बोलते हो? इसके पीछे लॉजिक क्या, मैं आपको समझाता हूं। अरे इस लॉजिक के पीछे ही आपका इस बिजनेस में टिकना भी तय है। 3 से 5 साल इसके लिए बोला जाता है कि आप जब इस बिजनेस में आते हो तो
आपका जो शहीद होने का पीरियड है इस बिजनेस में वो पहले 3 से 5 साल ही है, इसके लिए बोलते ये लोग बोलते 3 से 5 साल तक इस बिजनेस में सांस लेता हुआ जिंदा रहे। एक बार को 3 से 5 साल तक खोल लिया ना, उसके बाद तेरा कोई गला भी घुटना आएगा ना, उसका गला घुट देगा, तेरा गला भी घुटना। आप ये सोच के रखो कि आज के बाद कुछ भी हो जाएगा 3 से 5 साल तक मैं लेजर छोड़ूंगा। और एक बार ये 3 से 5 साल क्रॉस हो गया तो कोई आपको धक्का मारने भी आएगा तो आप उसको धक्का मार के इधर ही मिलोगे। तो आपका जो शहीद होने का पीरियड है इसको कैसे भी क्रॉस करना है। 3 से 5 साल में वो कोई भी बहकाने आए, कोई भी डकाने आए, मैं छोड़ूंगा जी, मैं यही हूं। एक बार आप पार्ट टाइम टिक जाओ, डायरेक्ट सेलिंग और माइलेजल आपको वो चीजें दिखा देगी कि इसके बाद आपकी जिंदगी भर इस बिजनेस को छोड़ दो। आपका आज के बाद से टारगेट क्या है? 3 से 5 साल। क्या टारगेट है? 3 से 5 साल। वो चीज हो जाए 3 से 5 साल रुकना ही रुकना है। और सारी जिंदगी को मैंने आपको फंडा समझा ही दिया, एक बार 5 साल 3 साल क्रॉस कर लिए और सारी जिंदगी करते हुए मिल गए तो यहाँ की नॉमिनेशन फैसिलिटी आपका इंतजार कर रही है कि नहीं कर रही है? नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है हमारे इलेक्शन में? जब तक आप जिंदा हो तब तक तो ये आपको इनकम देगी देगी, आपके डेथ होने के बाद आपका जो भी नॉमिनी है उसके पास ये इनकम जाएगी। बराबर है? मालूम है ना ये बात? दो प्लान दिखाते है ना, ये आपको भी तब मिलेगी जब आप जीतेगी यहाँ पे रहोगे। दूसरे को हम समझा रहे थे है ना, आप तो नॉमिनेशन फैसिलिटी, अरे इसको मिल जाएगी तू भी तो रह गया, तेरे को नहीं चाहिए क्या? कभी भी ये बिजनेस छोड़ देगा मन करेगा आप यही सोचना, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो इतनी बड़ी फैसिलिटी इतने मेहनत के बाद जो मेरे को मिल सकती है इसको मैं छोड़ के जा, और यही चीज आपको छोड़ देगी नहीं। सारी जिंदगी इसके लिए काम करना है कि जब तक मैं हूं तब तक तो मेरी फैमिली को माय हॉस्टल के साथ मिलकर मैं अपने सपनों की दुनिया जी लूंगा, पर मेरे जाने के बाद भी इनका जिंदगी का लेवल ऐसे की ऐसी बना रहे, इसके लिए मेरे को सारी जिंदगी माय हॉस्टल का। यस यस, समझ में आ रहा है? यस। अब इसी टीम में क्यों करना है उसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो इस टीम में क्यों करना है? क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपके नीचे आपके जैसे लोगों की एक टीम होनी चाहिए, क्योंकि आपके अकेले का बिजनेस नहीं है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कि आप चला रहे हो और ये चल रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप चल रहे हो, आपके साथ में कदम से कदम मिला रहे हो, कम से कम एक टीम चल रही है, तब जाके आपको ये बड़े से बड़ा टर्नओवर आना चालू होता है कि नहीं है? Yes. अब आप समझ लो आपकी एक टीम चल रही है और आप समझ लो इस टीम से भुदक के कहीं और चले गए तो ये लोग जाएंगे क्या? नहीं। तो गला मिलूंगी दोबारा से करने के लिए आप तैयार हो गया? यही टीम बड़े पसीने से खड़ी होती है, दूसरी जगह जाके बोलते हैं कि आप टीम खड़ा करेंगे, हो ही नहीं पाता। आज टीम जो है हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है, जो हमारे साथ में हमारे लोग काम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में जो अपने साथ काम करने वाले लोग होते हैं ना, अगर ये सारी जिंदगी मेरे साथ में डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मिल गए ना, तो ये जिंदगी में ये लोग आपको गरीब होने नहीं देंगे। अमीर होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला इस बिजनेस में आपकी टीम, जब तक ये आपके साथ में है आपके सपने पूरे होते रहे। ये टीम उतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपका एटीएम कार्ड है जिसको डाल के आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें कभी भी समझदारी नहीं होती कि कार्ड को ही चेंज कर दे। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये सब लोग गलतियां करते हैं, कभी भी मुझसे और सारी जिंदगी का फंडा मैंने आपको समझा दिया। अगर माय लाइफ है कि नॉमिनेशन की है माय लाइफ है तो सारी जिंदगी निकालना है। अरे समझ में? यस। सारी जिंदगी माय लाइफ में निकालेंगे? यस। अच्छा मैं एक बात बताऊं, यहां पे शादी शुदा लोग कितने हैं? लोगों ने आप सोच सोच के इतनी देर के बाद आता है इतना, जब शादी हुई थी सोचते थे इतना सवाल पूछने के बाद भी सोच रहे माऊ नहीं माऊ, और कुछ लोगों ने आगे आदत है करोड़पति का आदत समझ में आता है फॉर्मूला, 50 लाख घर पे 50 लाख माइलेज है। शादी शुदा में आधे का मतलब क्या होता है?
लगाई होगी ये शादी होना सबसे वाला मैटर है, सामने वाला हाँ करे ना करे क्या इज्जत बचानी आता ही करते या फिर शादी होगी डिवोर्स देना और डिवोर्स होगा कि नहीं होगा जज डिसाइड करेगा, मैं कहते पूरा हाथ उठा जज उठाएगा और ये दोनों केस नहीं है तो आएगा मतलब क्या बोलते हैं। अभी मैं कुछ इनको सवाल शादीशुदा लोगों से पूछू ये सब कुमारों ने ये बोला है शादीशुदा लोग कहते सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ठीक है और थोड़ी गहरी हिंदी है ये नॉर्थ इंडिया की जो मैं बोलने वाला हूँ गहरी हिंदी में, अगर नहीं समझ में आया तो आप कोई भी शादीशुदा हाथ खड़ा करके पूछ ले सर ये समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ क्योंकि सवाल जरूरी है समझना भी उतना ही जरूरी ठीक है। सवाल ये है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए समझ में आई हिंदी यही गहरे वाली की बात सुखी वैवाहिक जीवन के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होना जरूरी है या नहीं है या नहीं। जिसने जितनी छोर छोर जितना लंबा यश बोला है उसी को तकलीफ होता है अभी दूसरा सवाल शादीशुदा लोगों से ही है। अगर इस सवाल में जितने भी शादीशुदा जेंट्स या लेडीज बैठे हैं अगर उनमें से किसी को ये लगता है कि उसका वाला लाइफ पार्टनर परफेक्ट है तो हाथ खड़ा कर सकता है। एक मिनट इस हॉल में मतलब ये सवाल के पीछे टर्म्स कंडीशन है टर्म कंडीशन एक ही है वो ये कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों अभी इसी हॉल में नहीं होने और अगर हैं तो ये सवाल के लिए ये लोग डिसक्वालिफाइड है और ये डिसक्वालिफाइड क्यों है उसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो अभी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इस सवाल में इस सवाल के ऊपर अगर ये हाथ उठाएंगे ना तो ये एक दूसरे को बोलेंगे तू उठा तो ये आपस में लड़ाई करेंगे इनकी लड़ाई ना हो इसके लिए इनको डिसक्वालीफाई कर देते हैं तुम लोग हाथी मुद्दा और हस्बैंड वाइफ की तरह बैठे हो। अब बाकी की शादीशुदा चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो जिनके लाइफ पार्टनर इस हॉल में नहीं है बात नहीं पे भी है उनमें से अगर किसी को इस हॉल में लगता है कि मेरा वो वाला लाइफ पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट है वही लोग हाथ खड़ा करते बड़ा बुरा हाल है। एक सर ने उठाया उन्होंने इसके लिए उठाया कि किसी ने उठाया तो नहीं होता है मैं ना कुछ सवाल पूछूंगा आप पूरा मत मानना वेरीफाई करना पड़ता है। दूसरा सवाल इस हॉल में आपकी लाइफ पार्टनर तो नहीं और जो आपकी लाइफ भले शादीशुदा नहीं हो पर इधर ही जा तो सर कितने साल हो गए शादी 25 साल इन्होंने लटके एंड झटके दोनों देखे ये जो 25 साल आपने शादी में गुजारे है ना
तो एक ही छत के नीचे दोनों रहेंगे, वो अलग शहर में, आप अलग शहर में, छह महीने में एक बार एक ही साथ। और वो जो आपकी लाइफ पार्टनर है आपके लिए परफेक्ट है ऐसा आप मानते हो, इसी के लिए हाथ उठाया, इसी सवाल के लिए उठाया ना, कोई और चीज के लिए तो नहीं उठा दिया, बोले सर ये बात हो गई थी उसके लिए। ये जो आपके 25 साल के लाइफ पार्टनर जो इस हॉल में नहीं है और आपके हिसाब से परफेक्ट है, ये 25 सालों में कभी अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ में, परफेक्ट वाले लाइफ पार्टनर के साथ में कभी बहस बाजी लड़ाई झगड़ा इस तरह का हुआ इन 25 सालों में? परफेक्ट जब देखिए इतने सारे शादीशुदा लोग जिन्होंने हाथ उठाए, हम शादीशुदा हैं, उनमें से तीन लोगों ने हाथ उठाया कि हमारे वाले लाइफ पार्टनर परफेक्ट है ना। अब ये तीन में से एक सबसे पूछा, बाकी दोनों से भी पूछोगे कितने भी साल शादी को हो गए होंगे, जवाब यही रहेगा लड़ाई झगड़ा बहन भाई तो चलता है, बात सही है कि नहीं है? yes. तो अब देखिए यहाँ पे बाकी के लोग जो शादीशुदा बैठे जिन्होंने इस सवाल पे परफेक्ट वाले लाइफ पार्टनर के सवाल पे हाथ उठाने की भी हिम्मत दिख रही, जबकि लाइफ पार्टनर भी इधर नहीं है ना, परफेक्ट वालों के लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं, तो जिन्होंने हाथ उठाने की हिम्मत दी इनका क्या चलता होगा, कितने दुखी होंगे आपको मैं बताता हूँ इनका क्या चलता होगा, इनकी धुलाई होती होगी, धुलाई यार इनकी धुलाई होती है, ये धुलाई करते दो ही काम होते हैं और मेरे को कैसे पता है सोचो सही कपड़ा कभी मेरी धुलाई होती है कभी मैं धुलाई करता हूँ चलता रहे आज पीछे पीछे बिलर गुस्से में उसने उठा के मेरे पे फेंका, हो सकता है 5-10 दिन के बाद मैं उठा के फेंक चलता रहे होता है कि नहीं होता है? yes, एक बात को तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने परफेक्ट चीज बना के नहीं भेजा ना किसी आदमी को ना लेडी को, परफेक्ट नाम का कुछ होता ही नहीं आदमी या लेडी, तो कमियां दोनों साइड होती है। और जब शादी होती है तो एक जिम्मेदारी आती है कि नहीं आती है? yes. और हर एक आदमी किसी भी मजहब का हो शादी से पहले कुछ कस्में खिलाई जाती कि नहीं खिलाई जाती जिम्मेदारी की? yes. याद है कि भूल गए? जब शादी से पहले सबसे पहले यही पूछा जाता है, पहले तो तुम ये वादा करो कि 7 जन्मों तक, 7 जन्म नहीं है इसको जमाने के, ये इसी जन्म कि ये जो तुम्हारा जन्म पड़ा हुआ है इस जन्म में जिसके साथ तुम अपना लाइफ पार्टनर बनने वाले हो सुख दुख में दोनों के दोनों साथ में रहेंगे, ये आपसे वादे करवाए जाते हैं कि नहीं करवाए जाते? yes. करवाए जाते हैं ना? yes. और ये जो वादे करवाए जाते हैं इसको आप अपने दिमाग में डाल लेते हो, नहीं डाल लेते हो? yes. तो अब होता क्या कि आपकी शादीशुदा लाइफ चालू होती है और जैसे जैसे ये बढ़ती रहती है, क्योंकि दो इंडिविजुअल हैं और दोनों परफेक्ट नहीं है, बहसबाजी तो होने वाली है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे अनबन तो होने वाली है, उनका अपना दिमाग आपका अपना दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग का मेल को गड़बड़ होने ही वाला है। और जब भी इस टाइप का कुछ भी होता है हम अपने आप को क्या समझाते हैं कि जो भी होगा ये टेम्पररी है, एडजस्ट कर लेंगे, पर रहेंगे सारी जिंदगी साथ, वही सोचना शादीशुदा जिंदगी गुजारते कि नहीं गुजारते? yes, ये कमिटमेंट आपने अपने आप को भी दिया और जिसने कसम खिलवाई उसको भी दिया और अपने लाइफ पार्टनर को भी दिया कि भाई जो भी होगा कुछ भी गड़बड़ होगी एडजस्ट करेंगे सॉल्यूशन ढूंढेंगे पर रहेंगे सारी जिंदगी साथ, ये आप कमिटमेंट करते भी हो दिमाग में डालते भी हो निभाते भी हो। और आपकी शादीशुदा जिंदगी जितनी भी लंबी हो चुकी हो आज इस बात का प्रूफ है कि आप वो वादा अपना निभा रहे, बात सही है कि नहीं है? yes. सबसे बड़ा प्रूफ है कि कोई भी शादीशुदा आपके डिवोर्स का पेपर लेकर घूम रहा है क्या? इसका मतलब कुछ भी हो जाएगा रहेंगे साथ में, ये कमिटमेंट देना आता है आपको और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है।
और ये जो कमिटमेंट आपने अपने लाइफ पार्टनर को दिया है कि जो भी होगा एडजस्ट करेंगे रहेंगे साथ में, वही कमिटमेंट आज के बाद से कैरियर पार्टनर के लिए माइलेज टाइप को दे दो और अपने आप से अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज डाल लो कि ये मेरा कैरियर का लाइफ पार्टनर है। परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, परफेक्ट ये बिजनेस भी हो सकता है कभी कभी ना हो, पर जो भी होगा प्रॉब्लम आएगी, जो भी होगा सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो जैसे लाइफ पार्टनर को नहीं छोड़ूंगा, इस कैरियर पार्टनर को भी इस पूरी जिंदगी छोड़ूंगा। एक चीज तो की आपको कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग देना आता है, शादीशुदा लाइफ आपका इस बात का प्रूफ बराबर है। अब जब आपका भाई क्लियर होगा, इसे प्यार करने लगोगे जैसे लाइफ पार्टनर के साथ करते हो, उम्मीद भी होगा सब कुछ झेलते हुए इधर मिलो, वो कमिटमेंट अपने आप से करो। सारी जिंदगी कुछ भी हो जाए माइलेज छोड़ना, ये ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे काम करो। आ रहा समझ में? यस। देखिए लाइफ में होता क्या है, वो हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमारे अलग अलग रोल होते हैं लाइफ में, तो इसमें जो सबसे ज्यादा चेंज हमारे अंदर हमको लेके आना पड़ता है, आज हम जो होते हैं उसमें भी चेंज लेके आना पड़ता है, उसमें जो सबसे बड़ा रिलेशन है जो चेंज लेके आना ही पड़ता है वो अलग रिलेशन है, शादीशुदा का रिलेशन। मानते हैं आप इस बात को? यस यस। ये एक ऐसा रिलेशन है कि आप जो भी थे आपको अपने आप में चेंज लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो कमिटमेंट निभाना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जा चुका है। मेरी बात समझ में आई? यस। मैं समझा, यहां पे जितने भी शादीशुदा लेडीज या जेंट्स हैं आप मेरे को बताओ, अपने फ्लैशबैक में जाओ लाइफ के। अब आप ये सोचो कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले आप कैसे थे? बच्चे वहां तक? यस यस। जब आपकी शादी नहीं हुई थी आप कैसे थे, और शादी होने के बाद आज आप क्या हो गए? दोनों में फर्क है? यस यस। है कि नहीं है? यस। मैं बता दूं कैसे फर्क होता है। शादी से पहले लड़का है ना सिक्स पैक ऐप बना के घूमता हुआ, फेसबुक पे पोस्ट देख लो। एक बार इसकी शादी हो रहे तो ये घर में झाड़ू लगाता हुआ सिक्स पैक ऐप बना के चेंज होता है कि नहीं होता है? शादी एक चेंज लेके आती है कि नहीं आती है? पूरा 360 डिग्री चेंज। लड़की लो शादी से पहले आप कभी इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पढ़ो, कभी पढ़ा है आपने? नहीं। लड़के लोगों ने तो पढ़ाई है। पापा की परी लिखती ही नहीं, लिखती लड़कियां लोग पापा की परी। और एक पोस्ट में लिखा होगा माय लाइफ माय रूल्स। एक बार इसी लड़की की शादी हो जाए, माई लाइफ तुम्हारे रूल्स। ये होता है कि नहीं होता है? देखिए लाइफ में हम कितना अपने आप को चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो, ये सबसे बड़ा प्रूफ हमारा शादीशुदा लाइफ। बात सही है कि नहीं? आज शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक चले इसीलिए तो चेंज हुए ही नहीं हुए। आज जो लड़की है आप उसके एंगल से सोचो, ये सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर पे रही हुई, अपने हिसाब से रही हुई है, अपने वातावरण में रही है, और अचानक इसकी जब शादी होती है सब कुछ चेंज हो जाता है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए वो सब तरफ से अपने अंदर चेंज लेके आती कि नहीं आती? आप चाहोगे तो अपने अंदर चेंज लेके आ सकते कि नहीं लेके आ सकते? लेके आ सकते कि नहीं लेके आ सकते? अगर आपने इस बिजनेस में वाइट ढूंढ लिया ना तो आप भी अपने अंदर इस बिजनेस के लाइफ चेंज लेके आ सकते। शादीशुदा लाइफ आराम से चले वो आपका कारण है, इसके लिए आप चेंज हो गए। अब इस बिजनेस में सक्सेस बनना है तो ये बिजनेस क्या डिमांड करता है? आप चेंज हो सकते हो अगर आप चाहो, ये होने के लिए आपके पास एक कारण होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. ये कारण इसके लिए मैं बार बार क्यों आ रहा हूं, कारण यही आपको टिका के रखे, यही आपसे बाकी सारे काम करवा ले।
हमारी लाइफ में दो हिस्से होते हैं, एक काम का हमारा एक अलग रोल प्ले चलता है, घर पे अलग चलता है कि नहीं चलता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जितने जॉब वाले बराबर समझेंगे, बहुत सारे ऑफिस में जो बॉस होता है, गुस्से वाले बॉस होते हैं कि नहीं होते? Yes. होते कि नहीं होते? Yes. अब इनके नीचे जितने लोग काम करते हैं ऑफिस में सब डरते हैं, क्योंकि गुस्से वाला बॉस है। एक गुस्से वाला बॉस जब राउंड में निकलता है, सब एक दूसरे को बोलते हैं, बब्बर फिर आ गया, बब्बर फिर आ गया, काम कर ले, ढेर पीछे कड़कड़ा कर रहा, बब्बर फिर काम कर ले, काम कर ले, तो बब्बर फिर नाम से इनको जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। तो ऑफिस में 6 बजे तक है, बब्बर फिर बन के घूम रहा है, ये 6:30 बजे घर पे पहुंचेगा और यही बब्बर फिर अपने घर में झाड़ू लगाता हुआ मिलेगा। बात सही है कि नहीं है? आज बब्बर शेर घर पे बन के घूम ले, शादी रहेगी क्या? अभी मुझे समझ में आया। अब आप मेरे को बताओ, आपके ऑफिस में या आप जहाँ पे भी बिजनेस करते हैं, एक चाय देने वाला लड़का है, ठीक है, आपका मूड खराब है, तो आप इसको कैसे ऑर्डर दोगे? एक छड़ू इधर, 3 मिनट के अंदर मसाले वाली गरम गरम चाय मेरे को टेबल पे ठीक। अगर 3 मिनट में चाय नहीं आएगा छोटू, तेरे कपड़े फाड़ दूंगा, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, तेरा पैसा खा लूंगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes. अब इसी टेबल में कभी घर में चाय मंगा के दे लो। ये जितने लोगों ने हाथ उठाया ना, हमारे वाले परफेक्ट है, ये खुद चाय बनाते हुए मिले। और जितने लोगों ने हाथ उठाई ये हिम्मत नहीं करी कि हमारे वाले परफेक्ट है ही नहीं, ये बाद में कप प्लेट भी धोते हुए मिले। कैसे हो सकता है कि आदमी ऑफिस में बुकर फिर वो घर में झाड़ू? होता है कि नहीं होता है? ये सब हम कर सकते कि नहीं कर सकते? कर क्यों सकते? क्योंकि हमको रिश्ते निभाने हैं। आज वही रिश्ते हम अपने डाउनलाइन के साथ निभाओ, ऑनलाइन के साथ निभाओ, माई लाइफस्टाइल के साथ निभाओ, आपको निभाने आते हैं। आप लोग जीने की इच्छा है कि नहीं है? Yes. दिल से जीना चाहते हो? Yes. कोई खुदकुशी के मूड में तो नहीं है ना? Yes. देखिए अपनी लाइफ को झांकिए, जब से आप पैदा हो गए है ना, आज तक आप जिंदा बैठे हो इस हॉल में, तो हर एक आदमी उसने अपनी अपनी लाइफ के जब से वो पैदा हुआ आज तक के बड़े से बड़े चैलेंज फेस किए कि नहीं? मेरे को नहीं पता किसने क्या किया, मैंने क्या किया मुझे मेरा, और मैंने फेस किया इसके लिए आज मैं जिंदा हूं। आज आप जिंदा हो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस फेस किए, सलूशन निकाला, तब तो जिंदा पहुंचे। आज जितने लोग आपकी जान में जान में हैं, जितने लोगों ने खुदकुशी करी वो सलूशन नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने जिंदगी छोड़ दी। बात सही है कि नहीं है? तो देखिए आज आपकी जीने की इच्छा है तो बड़े से बड़ा चैलेंज आप फेस करके उसका सलूशन निकालने की कोशिश करो, और वही आपने किया इसलिए आप जिंदा हो। यहां तक आपके समझ में आया? Yes. अब एक बात बताओ, इस पूरे हॉल में किसी को भी आने वाली लाइफ का कुछ पता है क्या? नहीं। कितने दिन जिंदा रहेगा? नहीं। और जितने भी दिन जिंदा रहेगा कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी उस बात का आज पता है क्या? नहीं। और दिमाग आज क्या बोलता है? मुझे जीना है, तो पहली बात मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। अब इस जीने के रास्ते में आने वाली लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आएगी उसका सलूशन ढूंढूंगा और खुदकुशी नहीं करूंगा। ये आपके दिमाग में आज भी फिट है कि नहीं है? Yes. और आपकी इच्छा क्या है? जीने की। इस जीने की इच्छा के अगेंस्ट में जो जो रुकावटें आएंगी आप सलूशन ढूंढोगे, यही आप सारी जिंदगी करते हैं और इसके लिए आ रहे हैं जिंदा हो, और आने वाले टाइम में यही करते रहोगे अगर आप नेचुरल डेथ से मरे। आज आपकी जीने की इच्छा इतनी बड़ी है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। माई लाइफस्टाइल में क्या होने वाला है? माई लाइफस्टाइल में अगर आपका भाई मिसिंग है, कारण गायब है, तो फिर यहाँ की प्रॉब्लम आपको खा जाए। और अगर आपका कारण बहुत बड़ा है, मेरे को इसके लिए माई लाइफस्टाइल करना, तो इस कारण में जो जो प्रॉब्लम आएगी उसका आप सॉल्यूशन ढूंढो। आज इसकी इच्छा क्यों ये बिजनेस करना है उसी तरह होनी चाहिए, क्यों मेरे को ये जिंदगी जीना है, मुझे जीना है तो जीना है, फिर प्रॉब्लम आने तो मैं देख लूंगा। ये बिजनेस मेरे को इसके लिए करना है, करना है तो करना, अब प्रॉब्लम आने को सॉल्यूशन में ढूंढ। ये बिजनेस को लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि भाई की लगती है वो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी लगती है प्रॉब्लम, उसको खा जाती है, सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाता।
आपका भाई क्यों इम्पोर्टेंट है वही समझा। तेरी बात समझ में आई क्या? एक ये जिनके भाई क्लियर नहीं होते वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कारणों से छोड़ छोड़ के बिजनेस चले जाते। अच्छा आप मेरे को एक चीज बताइए, भाई क्लियर होगा तो सारे काम होंगे, नहीं होगा तो आपका कोई काम नहीं होने वाला इधर का ढंग से। आप लोग सब इधर पैसा कमाने आए हो ना? आए कि नहीं आए? आप पैसा कमाना चाहते हो ना माइकल तेल में? तो किसी से भी पूछो पैसा कमाना है? यस यस यस। अब इसको बोलो आके सीख ले। तो आप ट्रेन में क्यों नहीं जाना चाहते? पहली बात ये समझो कि लाइफ में बिना सीखे हुए पैसा कमाई नहीं। आप नौकरी कर रहे हो, 14 साल पढ़ाई की है, डिग्री है, तब जाके मिल गया। डिग्री माइनस करते नौकरी नहीं रहेगी। आप सही है? आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस आपने कुछ सीखा उसके बारे में, तब जाके आपको कमा के दे रहा है। आप जब बिजनेस स्टार्ट किया तो शुरुआत में चला था क्या? नहीं चला था। आपने सीखा इसको, कहीं धक्के भी खाए होंगे, कहीं झटके भी खाए होंगे, पर दिल में एक उम्मीद थी इसको करता रहूंगा, आज सीख जाऊंगा, कल सीख जाऊंगा और जिस दिन सीख जाऊंगा ये मेरे को सारी जिंदगी बिजनेस खिला के रखे। उसी उम्मीद में ये बिजनेस आपने चलाया और आज भी आप उससे आप कमा रहे हो। बात सही है कि नहीं है? तो ये जिंदगी में बिना सीखे तो पैसा आने वाला ही नहीं है। अगर आप स्मगलिंग करने भी जाओ और बिना सीखे गए तो फर्स्ट राउंड में 10 साल के अंदर तो जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है बिना सीखे जाके आप पैसा कमा सकते हो। पर क्योंकि हमारा कारण ही क्लियर नहीं क्यों माइलेज कर रहे, तो यहाँ पे हमको पैसा तो चाहिए पर सीखने के नाम पे देखिए मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, संडे को बुला लो इनको ट्रेनिंग के लिए, आप बोलो इनको आधा संडे ट्रेनिंग, संडे संडे का ट्रेनिंग, संडे ओनली फैमिली डे, हफ्ते में एक दिन मिलता ओनली फैमिली, नॉट ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट, होता ही नहीं होता है। अब इसी आदमी को उसी संडे नौकरी वाला इसका बॉस अगर फोन करके बोलेगा चुपचाप एक घंटे के लिए ऑफिस आ, 3 घंटे का काम है अर्जेंट है अभी आना पड़ेगा, ये लुंगी पहन के उसी संडे को ऑफिस के टेबल के नीचे बैठा हुआ मिले, होता ही नहीं होता है। और वहां पे उल्टे डायलॉग बोलेगा, बॉस बोलेगा 3 घंटे, ये बोलेगा 3 घंटे का काम, आप मेरा खून चूस लो कोई टेंशन नहीं है, मैं मर जाऊंगा इस काम के लिए, आप टेंशन क्यों, ये सब नहीं किया तो नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी तो बाहर आ जाएगी, तो ये कारण है नौकरी करने का। वो कारण अगर आपने ढूंढे तो ट्रेनिंग में जाने का मन भी करेगा, आज आपका ट्रेनिंग में जाने का मन भी करता है, यही है आपको भाई नहीं पता इस बिजनेस में क्यों करना है। देखिए किस किस कारणों से आप छोड़ के जा सकते हैं उसकी कम से कम 1000 लिस्ट है, 1800 की लिस्ट है। मेन मेन बताता है क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आप लोग नए हो ना, नए हो कि नहीं हो? तो नए लोगों को सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, लोग जुड़ते नहीं है। आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती? लोग नीचे नहीं जुड़ते, ये प्रॉब्लम आपको भी है। तो मेरे को नॉर्मली मीटिंग के बाद या कहीं पे भी लोग मिलते नहीं तो ऑफिस में आते नए नए लोग भी आते और बोलते सर एक प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है सर, लोग नहीं जुड़ते। तो मैं क्या करता हूँ इस टाइप पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी रैंक होल्डर प्रॉब्लम लेके आता है सबसे पहले उसको कुर्सी में बिठाता हूँ केबिन में, जैसे ही बोलता है लोग नहीं जुड़ रहे तो मैं बोलता सब ठीक है तू पहले बैठ, अब बता क्या प्रॉब्लम है, बोलता लोग नहीं जुड़ रहे। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो मैं उससे भी वही सवाल पूछता हूँ और आपसे भी वही सवाल पूछता हूँ, माई लाइफ स्टाइल में लोग जुड़ते कि नहीं? इतना क्या सोच रहे, तुम्हारे जैसे सैंपल जुड़ गए और क्या प्रूफ की कि लोग जुड़ते हैं। तो इसका मतलब लोग जुड़ते हैं, मेरे से क्यों नहीं जुड़ रहे, या तो मैं सीखना नहीं चाहता या जो मेरे को बताया जा रहा है मैं करना नहीं चाहता और मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ लोग जुड़ना नहीं चाहता। इस बिजनेस में अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आप सीखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको फिर ये बहाना नहीं है, लोग इसी बहाने से छोड़ के चले जाते हैं, मेरे से नहीं होता क्यों लोग नहीं जुड़ते, अरे तू सीख तो ले पहले, तू जुड़ गया कैसे नहीं जुड़ रहे,
तो तेरे को जिसने जोड़ा उसको मालूम है ना, उससे सीख ले, नहीं तो उसके ऊपर से सीख ले। तो ट्रेनिंग इज बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ट्रेनिंग में लोग जाएंगे क्यों जब तक वाई क्लियर नहीं होगा जाएंगे। अब मेरे को कोई लोग बोलते हैं सर हम तो सारी ट्रेनिंग अटेंड करते फिर भी लोग नहीं जुड़ते, तो इसका मतलब क्या है? अपलाइन के प्रेशर से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। यहां पे 500 लोग जबरदस्ती आए होंगे, ये पीछे बढ़ावा क्या करेंगे क्या नहीं पड़ेगा। अब आप देखो जबरदस्ती बिना वो अप्लाई के प्रेशर से ट्रेनिंग में आओगे ना, भले आप सारी ट्रेनिंग अटेंड कर लो जितनी भी ये बोलेगा, पर अगर आपका वाई क्लियर नहीं है और आप उसके प्रेशर से आए हो ना, तो फिर आप बल्ब गिनते हुए बैठोगे। वो वाला नहीं लगता, उधर रोशनी कम है, होटल का क्वालिटी ठीक नहीं है, तो तुमने चाय पी के वो चाय में चाय पत्ती ठीक है ऐसी उबाल के देते, और ये जो बोल रहे 2 बजे लंच मिलेगा, ये 2 बजे देंगे कि नहीं देंगे? कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं, लोग भूखे बैठे हुए, इनको कुछ लगी है माइक लेकर लगे पड़े, ये सब आपके दिमाग में है। ये जो बाहर गया क्यों गया, ये जो माइक में आवाज आ रही है साउंड सिस्टम थर्ड क्लास, ये सब सवाल आएंगे। ये जो क्या बोला जा रहा है उसको दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि आप तो जबरदस्ती आगे बैठे हैं, और फिर जब बाहर निकलेंगे 2 दिन के बाद पूछेंगे फिर बोलेंगे लोग तो जुड़ते नहीं, अरे जब सिखाया जा रहा था तो माइक की तरफ देख रहा था, तेरा दिमाग क्यों और चल रहा था? अगर आपका वाई क्लियर होगा, आप दिल से इसमें आओगे तभी आओगे जब वाई क्लियर हो। तो जब आप ट्रेनिंग में बैठोगे ना, तो ये लाइट कौन गया कौन आया, माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको बाथरूम याद आएगा, ना आपको खाना याद आएगा, क्या बोला जा रहा है वो सीखने की दिल से इच्छा हो। मेरे जब भी मैं देखता हूँ लोग आ रहे जा रहे, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे बिजनेस में, मेरे को से 2-3 देखो, एक तो गया वो वापिस ही नहीं आया जो परफेक्ट वाला चार बात सही है ना, इधर उधर आके तो नहीं बैठ गए, गायब ही हो गए। अच्छा देखिए, मेरे को ना एक ट्रेनिंग में ऐसी एक ने बोला सर प्लीज, मेरे से क्या प्लीज प्लीज कर रहा है, तेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं कौन कर मैं कभी भी बुरा नहीं मानता, कोई आ रहा है जा रहा है भाई ते आए के सारे करोड़पति बन गए तो नौकरी कौन करेगा। मैं आपको वही समझा, वाई इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कितनी ट्रेनिंग कोई काम नहीं, ये गड़बड़ बिजनेस से बाहर। अब रैंक होल्डर होते ये भी छोड़ के चले जाते, यहाँ पे भी रैंक होल्डर बैठे होंगे, यहाँ पे डीसी ना बोले हाथ खड़ा लो, तुम लोग ये मत सोचो जंग जीती उनकी कमरे में ही और शहीद होने के, अगर वाई क्लियर किए तो ये जो रैंक होल्डर होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम रहती है, नॉर्मली मेरे नीचे लोग काम नहीं करते, लोग जुड़ तो गए पर काम नहीं करते, प्रॉब्लम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है, सबके सर लगे पड़े हैं अंदर अंदर, इतना होता है ये 250 होते हॉल में, बात सही है कि नहीं है? मेरे को कोई ऑफिस में आके पूछता कि सर प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम सर लोग काम नहीं करते, तो मेरा तो एक ही फॉर्मूला बैठ कुर्सी पे, अब मैं इसको बोलता हूँ प्रॉब्लम बता सर, ये जोरदार ताली। सर को मैं बताता हूँ सर आपके लिए बजाई लोगों ने, आगे जाके टिकोगे बहुत बड़े बनोगे तब पूरा पूरा हॉल आपके लिए बजाएगा, फिलहाल के लिए ये भी जिंदगी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, तो पूरा हॉल मेरे लिए बजा रहा था। अच्छी है कि नहीं है? तो अभी हम आते हैं उस सवाल ये पर, तूने 1 महीने से क्या क्या किया, तो पता चलता है 95% केसेस में जो ये बोलता है कि मेरे नीचे लोग काम नहीं करते, खुद ही फोन पे लगा हुआ है नेटवर्किंग करने, ऑफिस में इधर उधर चला जाना, उसको लेके चला जाना, मीटिंग में चला जाना, अब ये जो बोला जा रहा है जिसको ये देख रहा है ये बैठ के फोन कर रहा है, ये नीचे वाले फोन करता है, तू चला जाना, उसको लेके चला जाना, तू पूरी टीम है, कुछ बिजनेस करवा रही है फील्ड में, अब फिर बोलते हैं कि बिजनेस नहीं होता, नीचे लोग काम नहीं करते, अरे नीचे वालों के भरोसे में कहीं आप करोड़पति बनते, आप मैदान में हो तो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाने वाले आपके साथ में मैदान में मिलेंगे,
तो यहाँ पे जितने भी रैंक होल्डर है जिनको लगता है कि नहीं हमारे नीचे काम नहीं हो रहा, अपने अंदर जाके देखो आप फील्ड में हो क्या। मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आप फील्ड में मिलेंगे ना आपके साथ काम करने वाली फील्ड में टीम मिलेगी। लोग बोलते हैं सर अप्लाई क्यों, अरे आप अप्लाई नहीं जरिया होता है आपको रास्ता दिखाने के लिए। करोड़पति ये नहीं बना सकता, बनना आपको पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये करोड़पति बना है ना तो इसके जस्ट ऊपर वाला तो छोड़ के जा चुका है, इसमें दम था ये बन गया। तो अप्लाई किसी को करोड़पति नहीं बनाता, डाउनलाइन किसी को करोड़पति नहीं बनाता, आपका काम और आपका कारण आपको इस अंदर करोड़पति बनाएगा। अगर एक बार काम क्लियर हो गया तो ये अप्लाई आएगा, नहीं तो इसके ऊपर वाला आएगा, नहीं भी आएगा मेरे मतलब मेरे को बनना है। आ रहा है समझ में? तो की सारी प्रॉब्लम है रैंक होल्डर चलते चलते रुक जाते हैं, इनकम ठप, बिजनेस ठप, कहीं ना कहीं यही बंद। तो यहाँ पे किसी को भी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन देता हूँ। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था कितनी मेहनत की थी उस टाइम पे, दिन भर पांच पांच प्लान दिखाए होंगे, पांच पांच पॉकेट कवर किए होंगे और पसीना बहाया होगा, आज काम आप कर रहे क्या? ये जुनून आपका डेली सारी जिंदगी दिखेगा, तब जाके परफ्यूम टीम मिलती है। जहां पे आपको लग गया कि मेरा काम खत्म और नीचे वाले काम करेंगे, वो तो करने ही वाले नहीं है। इस बिजनेस में आज भी मैं आपको बताता हूं, अगर नीचे काम नहीं कर रहे सबको साइड छोड़ो, खुद उतर जाओ मैदान पे, फिर से एक नई लिस्ट निकालो, नई लिस्ट लगा के डेली वन टू वन करो और देखो दो महीने के अंदर एक फ्रेश और जुनून वाली टीम खड़ी होती कि नहीं होती। और उसके बाद कभी जिंदगी में फील्ड से वापस मत आना, उधर ही मिलना। आज आपके सारे लीडर फील्ड में है कि नहीं है? है कि नहीं है? आज आप इनका टाइम टेबल देख लो, उनका टाइम टेबल देख लो, आप आपके इनसे भी इनके सीनियर का टाइम टेबल देख लो, ये सब के सब कहीं ना कहीं डेली ये बिजनेस को फील्ड में करते हुए मिलेंगे। रैंक अलग हो जाता है, कैपेसिटी अलग हो जाती है, पर करते ये लोग रोज उस रैंक की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रैंक के हिसाब से करते हैं, पर करते रोज है। तो आप अपने आप से कुछ आप करते ही क्या? और ये सब का कारण एक वाई होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. आ रही है ना? Yes. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, घर वाले मना करते हैं, नए लोगों को होती होती है, होती कि नहीं होती? कितने लोग घर से झूठ बोल के आए कि यहाँ पे माइलेज कर के आए, कुछ और बहाना दे के आए होंगे, दोस्तों के साथ जा रहे दो दिन के लिए, घर पे बोल नहीं सकते क्योंकि घर पे बोलेंगे तो कपड़े फाड़ देंगे, माइलेज कर के आए। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस में देखा हुआ है, लोग है ना हॉल में आएगा ना, ये कोट पहन के भी, कोट घर से नहीं पहन के आया हुआ, जो कोट होता है ये बाजू वाले चार घर के बाद में रखा होता है, घर से निकलता बोल के मैं चार घंटे के लिए आ रहा हूँ, कहाँ यही चौराहे तक जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, उधर जाएगा कोट पहनेगा, मीटिंग में जाएगा और मीटिंग में जाके कोट वापिस जमा करेगा और फिर घर जाएगा, और फिर घर वाले पूछेंगे किधर था, इधर इधर ही तो था, हिम्मत नहीं है बोलने की, मैं घर पे इतने पड़ेंगे जिसका कोई हिसाब। ये प्रॉब्लम लेडीज को भी आती है और जेंट्स को भी आती है, आती कि नहीं आती? और लेडीज को बहुत ज्यादा आती है क्योंकि इनको घर भी संभालना होता है, इनकी और भी जिम्मेदारी होती है। मैं तो आप लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम, अपना कारण बड़ा रखो क्यों ये बिजनेस कर, हो सकता है लेडीज इसके लिए कर रही है कि अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छे स्कूल में डाल रहा है, महीने का इतना फीस का पैसा दिया, या घर में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए, अब यही घर वाले इसको ये काम करने से मना कर रहे हैं। तो ये शुरुआत का दौर है, इसके अंदर पैसा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, पर अगर आपका कारण बड़ा होगा तो आप सीखोगे और सीखोगे मेहनत कमाना स्टार्ट करोगे। तो आज अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो अपने घर पे सीधा बोल दो ये बिजनेस मैं इस काम से कर रहा हूँ और इस काम को करने के लिए मेरे को 1.5 से 2 साल जाएगा इस बिजनेस में, तो ये 1.5 से 2 साल में ये हसरत पूरी करने के लिए मेरे को तुम लोग टाइम दे दो, और इस 1.5 से 2 साल के अंदर तुम माइलेज लिए मेरे लिए नेगेटिव बात मत करो। इस 1.5 से 2 साल के अंदर अगर ये कारण मेरे से पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद जो तुम बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, माइलेज छोड़ना भी पड़े तो छोड़ो। उस हिसाब से अपना कारण बता के अपने घर पे बोलोगे तो कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा। और ये कारण बोलना मतलब ये कारण करके दिखाना है, बहुत सारे एग्जाम मैदान में उतर, आप लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप कारण लेके निकलोगे तो 1 से 1.5 साल से पहले पहले आपका वो कारण पूरा होना चालू हो जाएगा, आपको पैसे भी आने लग जाएंगे। और यही घर वाले जो आज आपको मना कर रहे हैं कि बिजनेस मत करो, यही 1.5 साल के बाद जब आप कामयाब बन जाओगे
वही घर वाले आपको मीटिंग हॉल के बाहर तक छोड़ के जाए। और अगर आप इस बिजनेस को 5 से 7 साल और करके बड़ा सक्सेस पा लिया तो वही घर वालों को जब आप स्टेज पे ले जाओगे अपनी टीम के सामने, तो आपके वही घर वाले जो आज आपको मना कर रहे हैं, वही घर वाले आप सक्सेस होने के बाद माइक के ऊपर बोलेंगे कि हमारे घर में एक ही सैंपल पैदा हुआ जिसने किसी की नहीं सुनी और इसने किसी की नहीं सुनी तो हम सबकी जिंदगी बना दी। ये वही घर वाले बोलेंगे। आप लोगों को कुछ कभी देना ही भूल गया जोश जोश में, चाहिए क्या? चाहिए भाई, 15 लोग बोल रहे हैं। तुम लंच टाइम में बाहर मिलो मेरे को गेट के पास, सबको चाहिए तो एक साथ बोलो और चाय पीने के बाद तो गला फाड़ के बोलना चाहिए। बोलो गला फाड़ के मैं आपके और आपके अपलाइन दोनों के लिए वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हो सकता है दो भी बच जाए। जितना मैंने आज तक अभी तक जो आज आपको समझाया समझ में आया, अपना कारण खुद ढूंढ सकते हो और स्ट्रॉन्ग कारण ढूंढ सकते हो, तब जाके ये बाकी की चीजें फिट होंगी। नहीं तो आज कुछ दिनों के, कुछ महीनों के, एक दो सालों के महीना कारण ही रहेगा। आप भी डायमंड बनोगे, कारण सही रहेगा तो काम नंबर सेट भी बनोगे, सारे काम की चीजें होंगे। अब देखिए ये आपको है ना, ये बिजनेस क्या दे सकता है अगर आपने काबू ना लिया, सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही?